तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की। जी हाँ, VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग, VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी ये पहली क्लास है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक जी। तो विवेक जी, सबसे पहले जानते हैं VBA होता क्या है। VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एक ध्यान रखिएगा, ये आपका VBA 6 नहीं है, VBA स्टूडियो नहीं है, समझे? तो ये क्या है कि आपके .NET और विजुअल बेसिक की एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो VBA ऐसा नहीं है। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलता जुलता है, बट ये ऐसा नहीं है। ये VBA जो है 2019 पे भी काम करेगा? VBA हर वर्जन पे काम करता है। ओके। और इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं सारा समझाता हूँ, पहले फंडामेंटल समझ लेते हैं। तो VBA की एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए हम एक्सेल में नए टूल्स, नए फीचर्स, नए फॉर्मूले डेवलप करते हैं। तो VBA के थ्रू क्या क्या करेंगे, मान लीजिए VBA एक फैक्ट्री है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट होगा मैक्रो, पहला प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। अब कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि मैक्रो जो है वो तो हमारा व्यू के अंदर जो रिकॉर्ड मैक्रो होता है वो होता है। देखिए, VBA के थ्रू भी हम मैक्रोज बनाते हैं और रिकॉर्ड चीज जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो भी हमारा मैक्रोज ही बनता है। Okay. तो रिकॉर्ड जो लैंग्वेज यूज करता है वो भी VBA यूज करता है। समझिए कि रिकॉर्ड मैक्रो जो है वो आपके बिहाफ पे कोडिंग करता है। Okay. जैसे एग्जाम्पल बताता हूं कि मुझे F1 पे जाके नेम टाइप करना है, राइट? ठीक है। अब इसके लिए हम यहां खुद से बनाएंगे, तो विजुअल बेसिक के अंदर मॉड्यूल्स इंसर्ट करेंगे और यहां पे हम सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट का नाम देंगे, उसके बाद देंगे कि रेंज F1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, राइट? राइट। एक कोड हमने किया। अब इसी काम अगर मैं अब यहां पे मैं रन करूंगा, हम इसमें जाके मैक्रोज में जाके अब जाएंगे व्यू में, तो आपको यहां मैक्रोज दिखेगा, व्यू मैक्रोज या आरआर आ गया। जब मैं रन करूंगा तो यहां पे देखिए नेम लिख गया। अब मैं रिकॉर्ड करता हूं, तो मैंने क्या किया, रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो शुरू किया और मैंने यहां पे F1 पे क्लिक किया, यहां पे नेम लिखा, राइट? फिर जाके मैंने इसको स्टॉप कर दिया। तो इसने क्या किया, अगर मैं इसके व्यू मैक्रो में रन करूंगा तो भी सेम काम करेगा, राइट? लेकिन जब इसकी एडिट पे जाऊंगा तो इसकी कोड दिखेगी। तो इसने भी क्या किया, विजुअल बेसिक में एक मॉड्यूल इंसर्ट किया जो कि मैंने मैनुअल इंसर्ट किया था, ऐसे इसने एक और मॉड्यूल इंसर्ट किया और उसने भी सेम कोडिंग यूज किया। ओके। अब यहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने तो बस एक लाइन में लिखा था, रिकॉर्डिंग में 3 लाइन लिख दिया। तो क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग मैक्रो है वो ऑफिशियली लैंग्वेज को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए आपको अपने बॉस से छुट्टी लेना है, तो अगर आपको वर्बली बोलना है तो जाके थोड़ा बोलोगे कि सेवा में श्रीमान ब्रांच मैनेजर या कंपनी के डायरेक्टर महोदय, प्रबंधक महोदय, सभी ने निवेदन है कि प्लीज हमें 2 दिनों की अवकाश दिया जाए। आप केजुअली जाके बोलोगे ना कि सर मुझे कल 2 दिन की छुट्टी चाहिए, फलाना काम। तो ये चीज सेम हमारा है कि हमें जितना जरूरत है उसके हिसाब से लिख देते हैं। ठीक है, हम यहां पे पैटर्न और क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब रिकॉर्ड करते हैं तो फॉर्मेलिटीज फॉलो होती है। जैसे कि अगर आपके बॉस ने बोला ठीक है तुम रिटर्न भी मुझे रिटर्न एप्लीकेशन दे दो, मैं साइन कर दूंगा, राइट? तो रिटर्न एप्लीकेशन में से एक लाइन तो लिखोगे कि बॉस ने कल छुट्टी आ रहा कल नहीं आ रहा। जब रिटर्न की बात आएगी तो फिर आप उसकी पैटर्न को फॉलो करेंगे ना सर, राइट? तो सेम चीज यहीं पे है, जो रिकॉर्ड मैक्रो हम करते हैं तो अपने पैटर्न को फॉलो करता है, इसमें कुछ अननेसेसरी कोड भी आ जाते हैं। ओके। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जब रिकॉर्ड मैक्रो खुद ब खुद आपका प्रोग्रामिंग कर देता है तो टाइम और पैसा क्यों वेस्ट करते हैं सीखने के लिए? तो हमें सीखने की क्या जरूरत है?
तो देखिए एक और माइक्रो जो है बहुत सारी चीजें नहीं करता है, जैसे कि आपका डायनेमिक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ना कि आपने एक एक एरिया को सिलेक्ट करके फिर किया, तो वो हमेशा इसी एरिया पे आपका काम करेगा। अगर आपका एरिया में घटता है बढ़ता है तो घटेगा बढ़ाएगा नहीं सर। कनेक्टिविटी नहीं करेगा, रिपीटेशन नहीं करेगा। मान लीजिए कि आपको अगर 50 फाइलों से डेटा लेना है तो आपको 50 फाइलों से डेटा लेने का कोड करना पड़ेगा, एक फाइल को लेके उसी को हम रिपीट नहीं करवा सकते। ओके। दूसरा आता है कि कनेक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटीज नहीं होता है। कंडीशन, आप अपने कंडीशन इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इंटरफेस नहीं बना सकते हैं। तो ओवरऑल आप रिकॉर्डिंग मैक्रो से कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है तो रिकॉर्डिंग मैक्रो से जीरो, बिल्कुल जीरो यूजर्स। ओके। अब यहां पे बात आती है तो फिर फायदा क्या रिकॉर्डिंग मैक्रो का। देखिए एज ए लर्निंग पीरियड में रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज हम लोग करते हैं एज ए डिक्शनरी। ओके। एज ए डिक्शनरी, ठीक है, समझ गया। वो कोड देखने के लिए, जैसे मान लीजिए ना, कि आपके पास फिल्टर लगाने का कोड नहीं पता है, फिल्टर लगाने का कोड नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, कोड पता कर लेंगे। तो एज ए डिक्शनरी के तौर पे इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैक्रोज होता क्या है भाई। देखिए मैक्रोज एक ऑटो पायलट होता है कि आपकी जो काम है, जो ऑटोमेटेड, जो मैनुअल वर्क है उसको ऑटोमेट कर देता है। ठीक है, किस तरह का मैनुअल वर्क, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। देखिए अभी हम आपको कोड नहीं सिखा रहे, अभी हम बता रहे हैं कि आपकी कोड क्या होता है, क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं डेटा यहां बनाता हूं, छोटा सा डेटा बनाता हूं। माइक्रो इस्तेमाल हम करेंगे कहां और क्या होता है माइक्रो, किस तरह का बेनिफिट्स है, हम आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं आज। अब मेरे पास देखिए इस तरह का डेटा है, मान लीजिए चार शीट में, पांच शीट में मेरे पास डेटा है, राइट। ये पांच जो है 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर इसको सारे डेटा को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कलेक्ट करना है, सारे डेटा को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक में कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना सर। अब दो चार पांच में जल्दी कर लोगे, दो चार पांच ज्यादा हुआ, 100 200 1000 2000 हुआ, काफी टाइम मिल जाएगा ना सर। तो इसके लिए हम यहां छोटा सा मैक्रो लिखेंगे, हम इसके इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल्स और यहां पे देखिए हम देंगे सब्जेक्ट कॉपी, यहां पे लगाएंगे लूप कि लूप आई इक्वल टू चले 1 2 3। अभी कोड क्या है ये हम बाद में समझेंगे, बस आपका इसका ये समझ लीजिए कि बेनिफिट। ठीक है, थोड़ा बड़ा ग्रोथ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा कोड दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं, एक मिनट मैं रिफाइन कर दूं। play/pause अब दिख रहा है सर? दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा है। शीट फिर यहां पर हम करते हैं, रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, उसके बाद यहां हो जाएगा शीट्स
डेटा और सिलेक्ट रेंज dot offset 1, 0 dot paste special paste as a value. बस हो गई, ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे काम जिस दिन मुझे इसको सपोर्ट करना होगा उस दिन जस्ट जाएंगे और अपना माइक्रो कॉपी को रन कर। तो विद इन सेकेंड में घंटों का काम कर दिया, दिख रहा है आपको सर क्या? हाँ जी आ गया। कुछ सेकेंड में हमने मेरा काम कर दिया। मैं दोबारा रन करके दिखाता हूं। मैंने यहां गए और यहां पे जस्ट रन। तो अब 50 हो या 500 हो, कुछ सेकेंड्स लगाएगा मेरा काम कर देगा। तो माइक्रोस का काम होता है आपका ऑटो पायलट का, ऑटोमेशन का, कि जो काम आपके मैनुअल है, जिस काम में आपको काफी टाइम लग रहा है, उस काम को वो इजिली कर देता है। अब बात यहां पे आते हैं कि फिर हम कब इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल दो केसेस में होता है, रिपीटेड जॉब और लेंथी जॉब। ऐसा काम जिसको बार बार करना है, राइट तो वहां पे करेंगे। मान लीजिए छोटा सा काम आया, जैसे 5 सीटों का काम आया था डेटा कॉपी पेस्ट करने का। अब इसको जो है आप कोडिंग जो नहीं करेंगे तो बेवकूफी होगा ना सर। जितना देर में कोड लिखेंगे टेस्ट करेंगे उसको, तो आप उतने देर में तो आप कॉपी पेस्ट ऐसे मार देंगे, राइट। लेकिन यही काम अगर आपको मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में है और बार बार यू कैन यूज। उसके बाद लेंथी जॉब, तो कोई काम एक ही बार आया है लेकिन इतना ज्यादा क्वांटिटी में है कि इसको करने में हमें कई दिन लग जाएंगे, उसको यूज करते हैं। तो माइक्रोज और बीवी का इस्तेमाल दो केसेस में करते हैं, रिपीटेड जॉब एंड लेंथी जॉब। दूसरा जो हमारा आता है वो बनता है फंक्शन, मतलब कि फॉर्मूले। तो आप अपने हिसाब से यहां वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फॉर्मूले जो बने हैं, इस तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, फिर से नया फॉर्मूला बनाए, तो जो फॉर्मूला है वो तो मैंने सीखा ही नहीं, और आप नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वो नहीं आते सर। हाँ, तो क्या होता है कि जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो अगर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, जैसे वी लुकअप सिर्फ एक ही डेटा से कॉपी करता है, एक ही डेटा से लुकअप करता है, लेकिन आपके पास 5 सीट का डेटा लुकअप करवाना है। हाँ जी, तो इसलिए आप अपने हिसाब से अपना खुद का भी लुकअप बना लो। ओके, 5 शीटों से अगर वी लुकअप लगाना है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, तो खुद का बना लो आप। ओके, क्या आप अपना खुद का बना लो बेटा, क्या दिक्कत है? ओके, ओके। उसके बाद अगला जो ऑप्शन यहाँ पे ये हो गई, और दूसरा इसमें आपका आता है ऑप्शन कि अगर मान लीजिए ये हो गई, अगर दूसरा चीज होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा ये है, मतलब कि काम है जो कि उसकी कोडिंग जो है माइक्रोज में आपको करना पड़ता है। अब एक रिपोर्ट आप ऑटोमेट कर रहे हो, उसमें कैलकुलेशन है 10, जिसके लिए आपने 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है। अब वो कैलकुलेशन जो है 8-10 जगह होते हैं, तो आपको 8-10 जगहों पे वो 10 लाइन में कोड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वहां पे फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं कि वो 8-10 लाइनों को हम फॉर्मूले में डाल देते हैं और जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है बस फॉर्मूला को रिकॉल कर देते हैं। ओके, तो जो हम फंक्शन बनाते हैं वो सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं, हम माइक्रोज के लिए भी बनाते हैं।
तीसरा जो आता है वो आता है यूजर फॉर्म। अब यूजर फॉर्म क्या होता है? यूजर फॉर्म इट मीन्स इंटरफेस। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि मैंने किसी चीज पे क्लिक किया, एड किया, पॉपअप आया ना सर, ठीक है। अब अपने हिसाब से जो सिलेक्ट करते हो, ओके करते हो, उसी हिसाब से होता है। तो इस तरह के जो पॉपअप है, उस तरह के पॉपअप बनाने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यूजर फॉर्म मतलब फॉर्म बनाना होता है। नहीं, यूजर फॉर्म मतलब कि हमें पॉपअप या इंटरफेस बनाना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रिपोर्ट ऑटोमेट किया है, पर वो रिपोर्ट को आपको इनपुट्स देने होते हैं कि आपको कौन से साल के, उस साल के कौन से मंथ के, कौन से सिटी के, उस सिटी के अंदर कौन से प्रोडक्ट के और कौन से सेल्स मैनेजर के रिपोर्ट चाहिए। मतलब 5 इनपुट्स है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर 5 इनपुट अगर आप दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, कोई छूट गया तो। तो हम एक इनपुट पर एक इस तरह का पॉपअप बना लेंगे, बंदा आएगा अपना सिलेक्ट करेगा और ओके करेगा। ओके के ऊपर सारा कोडिंग होगा कि वो यहां पे चेक करेगा कि बंदा क्या क्या सिलेक्ट कर रखा है, उसके हिसाब से रिपोर्ट बना लेगा। तो वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से हम बनाते हैं माइक्रोस, हम बनाते हैं फंक्शन, हम बनाते हैं यूजर फॉर्म, हम बनाते हैं इंटरफेस, राइट। अब बात आती है कि हम वीबीए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपका डेवलपर टैब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डेवलपर टैब डिफॉल्ट नहीं होता है, तो डेवलपर टैब को लाने के लिए एक्सेल ऑप्शन में जाएं और कस्टमर जीवन और यहां पे क्लिक करके ओके, तो आप डेवलपर टैब ले आए। बट आपके पास 2007 है तो जनरल में आया आपको मिल जाएगा। तो कस्टमाइज रिबन से आपने डेवलपर टैब पे क्लिक किया, यहां पे आ गया। ये आपको सिर्फ वन टाइम ही करना है, बार बार नहीं करना है। उसके बाद दूसरा आता है माइक्रो सिक्योरिटी। अब माइक्रो सिक्योरिटी को क्यों एनेबल करना है? तो ये क्या होता है कि जैसे आपने माइक्रो बना लिया, बनाने के बाद फाइल में सेव कर दिया, सेकेंड टाइम जो ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको पॉपअप देगा डिसेबल वाला, प्लीज एनेबल द माइक्रो। तो हर बार पॉपअप देगा, तो उसमें जो इवेंट माइक्रो वगैरह लगे हुए हैं वो चीजें नहीं चलेंगे। तो उस केस में आपको एनेबल करना हो कहां से? डेवलपर, माइक्रो सिक्योरिटी और यहां पे एनेबल। यहां से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इन्हें आपको वन टाइम ही करना है, लेकिन यहां पर दिखता है नॉट रिकमेंडेड, प्रोविटेड डेंजरस कोड कैन रन। अब कुछ बच्चे यहां पर सवाल पूछते हैं कि सर जो वीबीए प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी चीज है तो माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट इसको डिसेबल क्यों रखता है? क्या सोचने वाली बात है ना सर? जो सोचने वाली बात है, इसके पीछे लॉजिक जो मुझे लगता है वो इसलिए होगा कि आपका जो डाटा आप रन करो रन वो हैंग हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि माइक्रो के साथ यहाँ पे तो कोडिंग है ना सर, तो आप जानते हैं कोडिंग दो तरह के होते हैं ना, गुड एंड बैड। हाँ जी। अब किसी ने बैड कोडिंग लिख के आपको भेज दिया तब क्या करें? क्या ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा? रन होते आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, वायरस आ जाएगा। जैसे मुझे एक वायरस मिला था, एक माइक्रो आपके इंस्टॉल हो गया था और क्या करता था कि मेरे आउटलुक से प्रमोशनल मेल भेजना शुरू कर दिया। तो अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो कोई अगर मेल पे कोई फाइल आती है तो ध्यान रखिएगा कि फाइल को ध्यान से कीजिए। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें माइक्रो, इस फाइल में माइक्रो है, इस फाइल में माइक्रो नहीं है? वो आपके फाइल के आइकन से और एक्सटेंशन से पता चलेगा। right. सबसे पहले आपको ये फाइल टाइप दिख रहा है सर, इस पर जब कर्सर रखेंगे इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस। क्या होता है? डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है। इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट भी कहते हैं।
अगर ये फाइल कोई भेज रहा है तो 100% गारंटी है कि इसके अंदर माइक्रो नहीं होगा, क्योंकि ये जो फाइल टाइप है माइक्रो को कंसीडर ही नहीं करता है। माइक्रो को कंसीडर ही नहीं करता है, तो इसमें माइक्रो होने के चांसेस ही नहीं। दूसरा, इस तरह का टाइप आया जिसमें इस तरह का एक्सटेंशन मार्क लगा हुआ, इसका एक्सटेंशन होता है .xlsm, लास्ट में एम हो जाता है, कर्सर आपको दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कशीट। लेकिन इसमें भी गारंटी नहीं है कि डेटा होगी, एक डेटा माइक्रो दोनों को कंटेन करता है, इसमें डेटा भी हो सकता है और इसमें माइक्रो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। इज इट पॉसिबल जब मैं फाइल, मैंने माइक्रो पे काम किया, फाइल बनाई, डाटा तैयार हुआ, मैंने आपको भेज दी वो फाइल, डाटा दे दूं, आपको माइक्रो ना दूं, कैसे रन होके आ रहा है, आपको ये ना पता। तो माइक्रो नहीं सर, माइक्रोज, अगर आप माइक्रोज नहीं दीजिएगा, माइक्रो को लॉक कर दीजिए, माइक्रो देना ही पड़ेगा ना सर, अगर माइक्रो के जरिए फीचर्स चल रहे हैं तो माइक्रो तो होना चाहिए ना सर। नहीं, मैंने रिपोर्ट बना दी। आपने रिपोर्ट बना दी, लेकिन जो फाइल आप भेज रहे हो उसके अंदर अगर किसी तरह का माइक्रो नहीं है तो उसको आप इस पर सेव कर दो एक्सेल वर्कशीट में। अच्छा, लेकिन उसके अंदर माइक्रोज है, कुछ ऐसे चीज है जो कि माइक्रो से चल रहे हैं, मतलब कुछ बटन वगैरह है या कुछ फॉर्मूले हैं लगे हुए जो वीवीए फॉर्मूले हैं, तो उसके लिए तो आपको एक्सेल एम भी लेना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा माइक्रो कोई देख ना सके, यूज करे पर देख ना सके, तो आपको माइक्रो की कोडिंग लॉक करनी पड़ेगी। फाइल लॉक की बात नहीं कर रहा हूं सर, कोडिंग लॉक करने की बात कर रहा हूं। कोडिंग, ये कोडिंग जो लॉक होगी ऐसा तो नहीं कोई तोड़ ले इसको? सर कोडिंग तोड़ना मुश्किल है सर, पासवर्ड अगर आप उसमें कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लिखते हैं ना, अंडरस्कोर वगैरह लगा के स्पेशल लोअर कैरेक्टर देते हैं, तो तोड़ना मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, कोई बड़ा हैकर ही तोड़ पाएगा सर, नॉर्मल नहीं तोड़ पाएगा। ओके, ठीक है। और जब बड़ा हैकर के पास मिलेगा तो सर वो क्या, आप वो तो कुछ भी तोड़ सकता है। क्या जब राष्ट्रपति क्या कंप्यूटर तो क्या पासवर्ड तोड़ सकता है, तो ये हम लोगों का क्या छोटी फाइल फाइल उसकी कौन सी बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, बता देगा। तीसरा जो आता है ए आर का, ए जो है एक्सलेस ए, इसको बोलते हैं एक्सल एडिंग फाइल। अगर किसी ने आपको इस तरह का फाइल भेज दिया, साइकिल इस तरह का होगा, एक्सटेंशन होगा एडिंग एक्सटेंशन होगा .xls एक ऐसे क्लास ए लगा होगा, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ माइक्रो ही होगा, इसमें किसी तरह का डेटा नहीं होगा। अच्छा, ये माइक्रो भी ये सिर्फ माइक्रो कंटेन करता है। जैसे मान लीजिए ना, आपने 15-20 फॉर्मूले बनाए हुए थे, राइट, ठीक है। अब आपके बॉस ने देखा यार तुमने तो बहुत अच्छे से फॉर्मूले बना रखे हैं, एक काम करो विवेक मुझे फॉर्मूले सब दे दो। लेकिन जो फॉर्मूला जिस फाइल में लगा है उसमें आपके पास डेटा भी है और डेटा क्रिटिकल है, आप नहीं चाहते कि किसी को शेयर हो, तो उसको हम इस एक्सटेंशन में सेव करेंगे तो क्या होगा, वो एडिंग के फॉर्म में सेव हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको अगर किसी को भेजेंगे तो सिर्फ उसका माइक्रो जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ माइक्रो कंटेन करता है, बाकी कुछ कंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो अगर किसी ने अगर आपको इस तरह के फाइल भेजे हैं तो ओपन करने से पहले सोचे फिर ओपन करें। ठीक है, चलिए, तो हमें माइक्रो को सिक्योरिटी एनेबल करना होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके फाइल को सेव करना है माइक्रो एनेबल वर्कबुक, क्योंकि ये फाइल डिफॉल्ट सेव होता है एक्सेल वर्कबुक में। तो आप पहले ही कोड लिखने से पहले ही आप क्या करें, माइक्रो एनेबल वर्कबुक में फाइल को सेव कर दें। अगर गलती से भी फाइल को बाद में अगर एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आपके सारे कोडिंग डिलीट हो जाएंगे। शुरुआती दौर में हर स्टूडेंट इस तरह की प्रॉब्लम करता है, इस तरह की दिक्कत करता है, इस तरह की गलतियां करता है कि मुझे कॉल करता था, मैंने माइक्रो बनाया था, कल तो गया था, मैंने सेव कर दिया, बाद में ओपनिंग किया उसके अंदर माइक्रो ही नहीं था, तो उन्होंने सेव किसने किया, एक्सेल वर्कबुक में। अब इसका काम ये माइक्रो को कैरी नहीं करता है, तो सारे माइक्रो किसने डिलीट कर दिया,
तो उसको हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करें, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट करें। अब कोडिंग के लिए जैसे आप डेवलपर टैब आएगा, इसमें आपका विजुअल बेसिक आएगा, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ एक्सेल भी नहीं, ये आपका वर्ड पे, आउटलुक पे, पावर पॉइंट पे, सब पे होता है। अगर जब पे जाकर अल्ट F11 प्रेस करेंगे तो हर पे दिखेगा आपको। ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे ये आपका क्लिक करते आएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो फाइल आपकी ओपन होगी, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इस तरह से ओपन होगी। जितने भी फाइल आपने अगर डाउनलोड कर रखे हैं, वो सारे फाइल का लिस्ट आएगा, जितने भी फाइल ओपन है आपने उसका लिस्ट आएगा। हर फाइल के अंदर जितने शीट से उनके लिस्ट आएंगे, और यहां पे आपको मॉड्यूल्स आएगा। तो मॉड्यूल्स डिफॉल्ट नहीं आता है, मॉड्यूल्स को इंसर्ट करना पड़ता है। तो मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं कब, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब मॉड्यूल में ही प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, इस बात का जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और अभी जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको excel-vba.com नाम की वेबसाइट है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। excel-vba.com सिंपल है, अभी मेरी वेबसाइट नहीं है, ऐसा नहीं कि वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूं, नहीं सर। शुरुआती में मैंने इसको देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको स्टडी किया था सर, और सबको रिकमेंड करता हूं। इसे चैप्टर पे जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो जितना हो सके उसमें स्टडी करें इसको आप। द्वारा नाम बताइए क्या सर? सिंपल है, आप देखिए excel-vba.com excel-vba.com ओके, ठीक है, ठीक है। मैं इसको आपको ये भी दे देता हूं, व्हाट्सएप भी कर देता हूं, पता नहीं फिर भूल जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। इसको देखिए।